स्टे एट होम स्टे एट होम स्टे एट होम, ये कंटिन्यू चल रहा है एंड दिस इज़ लॉक पीरियड, लॉकडाउन पीरियड, क्वारंटाइन, बहुत कुछ लोगों को बना रहा है ये। इट्स ब्रिंग्स टू नेचर के पास ले जा रहा है, दिमाग को बहुत दौड़ा रहा है और मैं भी इसी दौड़ में शामिल हो के सफाई करने बैठी। और ये देखिए, कुछ पुरानी चीज़ें निकाली, बेड की सफाई कर रही थी और ये छांट छांट के, टोपी और सर्दियों का कुछ सामान था तो वही लेके बैठी, और कुछ पुराने कपड़े से उनको देख रही थी कि क्या कुछ रीयूज़ हो सकता है या नहीं। तो ये देखिए, मैं बन गई जेंटलमैन, जेंटल वूमेन। देन ये देखिए, कुछ पुराने कपड़े हैं जो रखे हुए थे, इनका क्या यूज़ करूँ क्या रीयूज़ करूँ कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये एक टेबल मैट है और इसका दिमाग जो है ना, आजकल मेरे ख्याल सबका, देखिए कितने तो शेफ़ बन गए हैं इस वक्त। और काफ़ी क्वालिटी टाइम हो गया ये लोगों का जो साथ में बिता रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ नया कर रहे हैं, घर को अपने रिनोवेट कर रहे हैं। रिनोवेट मीन्स नॉट द हेल्प ऑफ लेबर, जस्ट बाय योर हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो उसी सीरीज़ में मैं भी आगे बढ़ रही हूँ, मैंने बहुत सारा सामान देखा करा और सफाइयाँ तो लगी पड़ी हैं। ऑलमोस्ट लॉकडाउन पीरियड जो है वो ख़त्म होने को है, आई डोंट नो कि एक्सटेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर इन दिनों जो है ना, एक शिकायत मेरी थी वो बहुत दूर हो गई कि घर में रुकते नहीं थे, तंग हो गई थी हर दिन टूर टूर टूर। सो अभी घर पे ही हैं और हम लोग अच्छा टाइम बिता रहे हैं, पूरा पूरा साथ में, खाना बनाना, सफाई वफाई, पूरा दिन मतलब। समझ में नहीं आता इसको ब्लेसिंग समझें या फिर ये कर्स है। बीमारी तो इट्स सेल्फ एक कर्स है, लेकिन लोगों को इसने नज़दीक ला दिया। हमारी प्रायोरिटीज़, हमारी प्राइमरी जो नीड्स थी और सेकेंडरी लेवल की, वो सब कुछ हम लोग को डिस्टिंग्विश करवा दिया है। तो जस्ट वी आर कन्वर्सेशन समथिंग ओवर द सफाई, अभी तो सफाई सफाई कर रही है। और बहुत लोगों ने कहा कि इसी रूम में, इसी रूम में। अरे मैं मतलब अब थोड़ा सा ये ठीक हुआ तो इसी रूम में मेरा ज़रा दिमाग रहता है, ऊपर करके आती हूँ पर बहुत जल्दी वो गंदा हो जाता है। सो जस्ट वी आर ट्राइंग कि देखिए, मैंने बताया था, अभी कुछ कह भी नहीं सकती हूँ क्योंकि जो जॉब का मैंने एक बार बताया था, DPS का, वो भी कुछ बना नहीं है, देखते हैं उसको। सो दिस वी डिस्कस आफ्टर वर्ड्स। सो ये गद्दे पे कुछ निशान पड़ गए थे, वही हम लोग बात कर रहे थे। और इस कमरे में ये हमने जो वाइट वॉश किया, इसका कोई मतलब नहीं हुआ, हर दिन मुझे ये ऐसे निकाल के इसको साफ़ करना पड़ता है। ये देखिए, पूरी जितनी भी वाइट वॉश, इवन हमने वो जो भी एडहेसिव कुछ मिला के कराया था, उसके बावजूद ये इतना निकलता है। कि रीज़न ये है कि हमारा भी टाँका जो है, पानी का जो सोर्स है, वो नीचे ही है, अंडरग्राउंड जो वाटर है वो है, और पड़ोसियों का भी है। तो इस वजह से दीवारों पर जो है ना, सीलन आती है और ये जो है ना, खुरचन, ये मेरे को हर रोज़, हर दूसरे तीसरे दिन निकालनी पड़ती है। तो इसी चक्कर में सबने कहा कि तुम इसी एक कमरे की सफाई करती हो। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सब जगह ही सफाई करती हूँ, पर यहाँ जो है ना, ये इस तरीके से निकलती है। और हाँ, नो डाउट कि मुझे अब ये कमरा थोड़ा सा सही हो गया है, तो इसमें मुझे आना अच्छा लगता है। बट मुझे मेरा जो ऊपर वाला कमरा है वही पसंद है, जब मैं, मुझे जो शांति है वो वही मिलती है, सुकून जो है मुझे अपने रूम में मिलता है। बाकी इट्स ओके कि चलो साफ़ सफाई है तो दिखा देते हैं इधर का, मेन अभी यही रह गया है। तो ये सब करने के बाद फिर आपको पता है रिलैक्सिंग टाइम क्या होता है लेडीज़ का, बस चाय का एक कप हाथ में हो, मोबाइल हाथ में हो और बस, फिर तो कुछ नहीं चाहिए। मतलब ये सब लंच के बाद, लंच के मतलब हैवी ब्रेकफास्ट के बाद ही मैं चाय लेके बैठी हूँ। तो लंच जो है वो थोड़ी देर बाद बनाऊंगी चेंज वेंज करके, अभी तो बिल्कुल फ्रेश मोड में हूँ, सफाई हो चुकी है अच्छे से बैठ के, और साफ़ सुथरा घरों ना, तो चाय पानी करने में अच्छा मज़ा आता है। और ये मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सफाइयाँ चाहिए होती हैं। ये बन रहा है हमारे लंच में, बैंगन का भरता बनाया था मैंने, रोटी सेक दी थी, और ये दाल चावल फटाफट दिखा रही हूँ, इसलिए जो क्लिप्स लिए थे ना वो मैं शेयर कर दे रही हूँ। और ये चापटिया है यहाँ का ग्रीन हरा ताज़ा, वो ले। तो ये देखिए, इसमें मैंने जो था ना बैंगन के भरते में, इसमें लहसुन भी मैंने अंदर डाली हुई थी। तो बहुत दिन से भरता जो है वो खाने का मन है, बैंगन की रेसिपी, क्योंकि बैंगन जो है ना, मैं कटिंग वाला नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि क्या होता है, एक ये और एक अखरोट, दो चीज़ें वो बहुत मुँह को मेरे एकदम, हम लोग बोलते हैं बाडा करना, आगे पता नहीं, बहुत शार्प हो जाता है, जैसे चूना खाने के बाद होता है ना, ऐसा हो जाता है।
दाल में जो करी पत्ता पहले डाल दो ना तो टेस्ट आता है इसमें। बैंगन छील ले रहे हैं और आप भी सोच रहे होंगे कि ये शॉल क्यों उड़ रखा है। असल में कोई आया तो जल्दी जल्दी में कुछ मिला नहीं, सामने यही पड़ा हुआ था तो मैंने इसको ओढ़ लिया। तो प्लीज़ ऐसा ना सोचिए कि गर्मी मैंने शॉल ओढ़ा हुआ है, थोड़ा नहाई थी और सामने कुछ मतलब मिला नहीं तो जस्ट ये मैंने ले लिया। और बस फटाफट खाने की तैयारी में मैं लग गई हूँ। ये बैंगन का भरता, दाल चावल एंड रोटी। खाना ट्रांसफ़र कर लूँ उसके बाद फिर। बहुत इजी है ये जो भरता है ना, एक टेस्ट में कई दिन से मतलब 4-5 बार भरते बना चुकी हूँ पर वैसा बन नहीं रहा जैसा मैं चाह रही हूँ। एक्चुअली माँ का स्वाद जो है ना वो कहीं आता नहीं है खाने में, चाहे कितनी कोशिश कर लो। माँ अगर उल्टे हाथ से भी यूं ही खाना बना देती है तो स्वाद उसमें आता था, पहले वो नहीं समझ में आता, वो सब चीज़ें बाद में समझ में आती हैं। तो देखिए आज अगर ये भरता मेरा बनता है, मैंने इसमें कुछ भी अलग से हरी मिर्च वरी सब नहीं डाला, सब हरा डाला, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज और सूखा धनिया बाद वो हरा धनिया बाद में डालूंगी। होप सो कि आज ये मेरा जो टेस्ट है वो परफेक्ट बन पाए। इसको ट्रांसफ़र करके ना कुकर वगैरह धो के रख देंगे तो बाद में फिर इसमें चावल ना जम जाते हैं, वो जमेंगे नहीं, खिले खिले से रह जाएंगे। जो बढ़ता है ना देखो अच्छे से ये भुन गया है, इसने एकदम छोड़ दिया है तो इसको थोड़ी देर और भून। राइस कुक, बढ़ता डन, दाल में तड़का लग चुका है। तो बस बच्चों को खाना परस दिया है, हो चुका था लंच और भरता वाकई में अच्छा बना था। एंड अगर आप लोग चाहें तो मुझसे फरमाइश कर सकते हैं भरते की मतलब खिलाने की नहीं, बनाने की रेसिपी के साथ। सो मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बने रहिए मेरे चैनल पे। मिलती हूँ बाद में।